हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए आरआरबी रेलवे का स्टाफ नर्स मॉक टेस्ट लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी रेलवे के अलावा एम्स, डीएसएसबी, बीएचयू, पीजीआई रोहतक, जिपमर, वेस्टर्न कोलफील्ड आदि नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, साथ साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। फ्रेंड, क्वेश्चन फर्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्टुसिस। पर्टुसिस के फैलने का मोड क्या होता है, पर्टुसिस के ट्रांसमिशन का मोड क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं वेक्टर ट्रांसमिशन, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, ड्रोपलेट इन्फेक्शन या फिर फिको ओरल रूट। तो जो पर्टुसिस है ये ड्रोपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ऑप्शन सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द मोंटेक्स टेस्ट। मोंटेक्स टेस्ट को मेजर करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत होती है, 24 से 48 घंटे, 48 से 72 घंटे, 10 से 12 घंटे या फिर 2 से 4 घंटे। तो 48 से 72 घंटे की ज़रूरत होती है मोंटेक्स टेस्ट को मेजर करने के लिए, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, उस वैक्सीन का नाम क्या होता है। तो इस वैक्सीन का नाम होता है सेबिन, ऑप्शन डी है वो राइट होता है। साक पोलियो वैक्सीन होती है, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल लगने वाली पोलियो वैक्सीन होती है, और जो सेबिन है ये ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सभी है ये स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स होती है किसी एक को छोड़कर। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन है ये स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोर ड्रग्स होती है, जबकि जो क्लोरोमायोसिन है ये स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोर ड्रग्स नहीं होती है, मीन्स ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, कौन सी वैक्सीन है ये ट्रिपल एंटीजन यानी तीन एंटीजन का कॉम्बिनेशन होती है, तो ये होती है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस है ये ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन होती है, ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्पटम ऑफ द डिजीज, यानी किसी भी पर्सन के किसी भी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने का जो सस्पेक्टेड टाइम है वहाँ से लेकर उस डिजीज के जो साइन और सिम्टम्स दिखने का जो बीच का टाइम होता है, यानी किसी भी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने का जो टाइम है वहाँ से लेकर किसी भी डिजीज के जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स है दिखने तक का जो बीच का टाइम है उसको क्या कहा जाता है, क्वारंटीन, रिकवरी पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर आइसोलेशन पीरियड। तो ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के फैलने का रूट क्या है, ओरल पोटेंशियल, फिको ओरल रूट या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर। तो जो हेपेटाइटिस बी है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और नीडल स्टिक्स और ड्रग के जो यूजर्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, तो पोटेंशियल रूप से ये फैलता है, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है और हेपेटाइटिस बी के यूज़ की नीडल अगर कोई किसी के लगा दी जाए तो उससे होने की ज़्यादा संभावना ये होती है, या फिर अगर मदर में हेपेटाइटिस बी हो तो उसके बच्चे में भी हेपेटाइटिस बी होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो पोटेंशियल है ये हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन का रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर के जो फैलने का मोड है वो क्या होता है, इंट्रावीनस, फिको ओरल, रेस्पिरेटरी या फिर ड्रोपलेट। तो फिको ओरल रूट से वो टाइफॉइड फीवर है वो फैलती है, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिनों का, ऑप्शन बी
राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साइट फॉर मोन्टेक्स टेस्ट, मोन्टेक्स टेस्ट करने के लिए जो कौन सी साइट है वो यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स मोन्टेक्स टेस्ट है करने के लिए जो साइट है वो यूज की जाती है एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म, जो लेफ्ट फोर आर्म है वहाँ पर सीरा है वो इंजेक्टेड किया जाता है, इंट्राडर्मल यूज किया जाता है। तो ये एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म है, ये मोन्टेक्स टेस्ट की साइट हो जाती है, ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला है मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोवाइन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलर बेसिलाई, ट्यूबरकुलर बेसिलाई का जो बोवाइन टाइप्स होता है इसके ट्रांसमिशन का मीडियम माध्यम क्या होता है, मिल्क वाटर एयर या फिर फूड। तो मिल्क है वो बोवाइन टाइप का जो ट्यूबरकुलर बेसिलाई है इसके ट्रांसमिशन का मीडिया होता है दूध, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है पेनफुल मिक्चुरेशन, दर्द जब यूरिन करते वक्त दर्द होता है तो इसको क्या कहा जाता है, एन्यूरेसिस, डिसयूरिया और रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर डायरिया। तो इसको कहा जाता है डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन कॉल्ड डिसयूरिया, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवैक्यूएट एनीमा इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में इवैक्यूएट एनीमा देने के लिए कितने अमाउंट का सॉल्यूशन है वो यूज किया जाता है। तो 500 से लेकर 1000 ml तक का एनीमा है वो एडल्ट्स में इवैक्यूएट एनीमा में सॉल्यूशन यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ड्रग यूज टू रिलीव पेन, दर्द से रिलीव दिलवाने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है वो यूज की जाती है, ऑप्शन डी है वो राइट होता है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रेटेड बाई टेस्टोस्टेरोन से कौन सा हार्मोन सिक्रेटेड होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन से सिक्रेटेड होते हैं, ऑप्शन सी है वो राइट हो गया। वन टी स्पून कंटेंट्स हाउ मेनी एमएल, एक जो टी स्पून होता है इसमें कितने एमएल होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो एक टी स्पून होता है उसमें 5 एमएल होता है और एक टेबल स्पून होता है उसमें 15 एमएल होता है, टेबल स्पून जो बड़ा स्पून होता है उसमें 15 एमएल, जो छोटा टी स्पून होता है उसमें 5 एमएल होता है। अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन एमएल कंटेंस हाउ मेनी ड्रॉप्स, एक एमएल जो फ्लूड होता है उसमें कितने ड्रॉप्स होते हैं, तो उसमें लगभग 15 ड्रॉप्स है वो होते हैं, एक एमएल में 15 ड्रॉप्स होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। एवरेज वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी का एवरेज वेट कितना होता है, 3 kg एवरेज वेट होता है न्यू बॉर्न बेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हाउ मच साल्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ वाटर टू मेक ए सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सेलाइन, यानी 1 liter वाटर को अगर नॉर्मल सेलाइन बनाना हो तो उसमें कितना साल्ट है वो ऐड करना पड़ेगा, नमक कितना मिलाना पड़ेगा, तो 9 gram साल्ट है वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो NS नॉर्मल सेलाइन का सोल्यूशन होता है उसमें 0.9% सोडियम यानी जो साल्ट है वो होता है, इसलिए 1 liter के अंदर 9 gram साल्ट है वो ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन सेक्रम, सेक्रम में कितने वर्टिब्रा होते हैं, तो सेक्रम में होते हैं 5 वर्टिब्रा, लेकिन जो सेक्रम और कोकिक्स है उसको एक एक ही माना जाता है, और इसमें जो सेक्रम के 5 वर्टिब्राज है ये साथ मिल जाते हैं, फूस्ट हो जाते हैं, और जो कोकिक्स होता है उसमें भी यहाँ पे 4 वर्टिब्रा होते हैं जिसको भी एक माना जाता है। सर्वाइकल में यहाँ पे 7 होते हैं, उसके बाद जो थोरेसिक होता है उसमें 12 होते हैं, और लंबर है उसमें 5 माने जाते हैं, और उसके बाद में जो सेक्रम है उसमें 5 होते हैं लेकिन एक माना जाता है, और जो कोकिक जेल होता है उसमें भी 4 होते हैं लेकिन एक ही माना जाता है, इस तरह से बात होगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल, सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 23 पेयर्स होते हैं, तो टोटल है वो 43 क्रोमोसोम्स है वो सेल्स में होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। एट्रियल सेप्टल अकर्स ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ, यानी आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स है ये किसके लगातार बने रहने की वजह से होता है, फोरामेन ओवल्स, डक्ट्रियोस आर्ट्रियोस या फिर डक्टस वेनस या फिर मीट्रस वॉल्स। तो जो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स है ये अगर फोरामेन ओवल है ये परसिस्टेंस बना रहे, कंसिस्टेंट बना रहे, बंद न हो, उसकी वजह से होता है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो विटामिन बी है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि जो विटामिन ए और डी
के ई होते हैं, ये फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन बी है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्विकनिंग मीन्स, क्विकनिंग का मतलब क्या होता है, तो क्विकनिंग का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ फिटस इन द यूट्रस फेल्ट बाई मदर, फिटस के सॉरी यूट्रस के अंदर जो फिटस की मूवमेंट्स है मदर को जो फील होती है उसको क्विकनिंग कहा जाता है, और 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद में ये हमें मदर्स को फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कोलेरा इज कॉज्ड बाय काइंड ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, कोलेरा है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरियाई बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विद सीवियरली इफेक्ट्स, एल्कोहल की ड्रिंकिंग करने से एल्कोहल पीने से किस पे सीवियर इफेक्ट होता है, लीवर पे सबसे ज़्यादा सीवियर इफेक्ट होता है एल्कोहल ड्रिंकिंग से, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। द डिजीज इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लोट इजिली, वो डिजीज जिसमें पेशेंट का ब्लड है वो जल्दी से आसानी से क्लोट नहीं होता है, वो डिजीज होती है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में पेशेंट्स की जो ब्लड है वो जल्दी से क्लोट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिसकलरेशन ऑफ टीथ कॉज्ड बाई ए काइंड ऑफ एंटीबायोटिक कार्ड, यानी किस एंटीबायोटिक्स के यूज से दांतों का डिसकलरेशन हो जाता है, दांतों का कलर है वो उड़ जाता है, तो जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है इसके यूज से दांतों का कलर है वो डिसकलर हो जाता है या फिर उड़ जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इज कॉज्ड बाय द फंगस, कौन सी डिजीज है ये फंगस के कारण होती है, तो जो एथलेट्स फूट है ये फंगस के कारण होती है, एथलेट्स फूट इज कॉज्ड बाय द फंगस, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। द फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड, फाइलेरिया है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फाइलेरिया है ये क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है इसके द्वारा फाइलेरिया है वो ट्रांसमिटेड होता है, ऑप्शन सी राइट हो गया। द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडी, वो ब्लड ग्रुप जिसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ब्लड ग्रुप जो ए बी है जो कि सर्वग्राही है, रिसिपिएंट है, ऑल रिसिपिएंट्स है, उसमें ब्लड ग्रुप में किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं होती है, इसीलिए ये सभी ब्लड ग्रुप्स के ब्लड को ले सकता है, जबकि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें किसी टाइप का एंटीजन नहीं होता है, इस वजह से ये जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है यानी सर्वदाता है और सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज दैट्स स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेज, वो डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है, तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए उसमें एड्स है, ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू, टाइफाइड फीवर है ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, तो फिको ओरल रूट से होती है, वाटर एंड फूड से टाइफाइड है ये ट्रांसमिटेड होती है। अगला क्वेश्चन है, इज एग्जाम्पल ओ फॉर द डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज यहाँ पे दी गई है वो बैक्टीरिया से होती है, तो कोल्ड और उसके बाद में जो टाइफस फीवर और चिकन पॉक्स है ये तो वायरल डिजीज होती है, जबकि जो टाइफॉइड है ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ऑप्शन बी इज राइट। इज द इम्यूनिटी गेट बाई बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज, यानी वो इम्यूनिटी जो किसी भी डिजीज के फर्स्ट अटैक के द्वारा बॉडी है वो प्राप्त करती है उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल पैसिव आर्टिफिशियल या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी किसी भी डिजीज के बॉडी में अटैक के बाद में उसके बाद में उस डिजीज के प्रति बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल दैट आर रिस्पॉन्सिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर, वो सेल्स वो कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स है ब्लड की वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑप्शन डी राइट हो गया। ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर, एक जो हेल्दी पर्सन होता है
ये एक साल में कितनी बार ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस ये ब्लड का डोनेट करना डिपेंड करता है आरबीसी पे, और आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो नॉर्मल एडल्ट में 100 से लेकर 120 दिन का होता है। इट मींस जो व्यक्ति है वो 3 या फिर 4 महीने से ब्लड दे सकता है, तो एक साल में वो 3 या 4 बार ब्लड है वो दे सकता है। एक हेल्दी पर्सन है वो एक साल में 3 और 4 टाइम्स है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम है ये किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, तो कैंसर के लिए ये यूज किए जाते हैं, रेडियोथेरेपी देने में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो गया। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑन अप्रैल 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिलीव फ्रॉम डिसनिया द अप्रोप्रिएट पोजिशन टू बी यूज। डिसनिया से आराम दिलाने के लिए कौन सी पोजिशन यूज की जाती है, फाउलर्स पोजिशन यूज की जाती है। ऑप्शन डी राइट हो गया। प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा पर डे कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को पर डे 55 ग्राम्स प्रोटीन की जरूरत होती है। ऑप्शन बी राइट है। द फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस ड्यूरिंग हाउ मेनी वीक्स। जो फंडस है वो अम्बलाइकल पर कितने वीक्स की प्रेगनेंसी पे दिखाई देता है, तो फंडस है 24 या फिर 22 वीक्स पे है वो अम्बलाइकस यानी नाभि पे आ जाता है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल है वो टोटल लगभग कितना वेट गेन करती है, 13 से 14 kg वेट है वो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल है वो गेट करती है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। द बर्थ वेट ऑफ ए बेबी डबल एट द एज ऑफ। बच्चे का जो जन्म के टाइम वेट होता है वो कितने टाइम में डबल हो जाता है, तो बच्चे का जो वेट है ये लगभग 6 मंथ्स में डबल हो जाता है। जन्म पे टाइम जितना भी वेट है, जैसे 3.5 किलो का वजन है, तो बच्चा है वो 6 महीने बाद में लगभग 7 किलो का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम। इन्फेंसी पीरियड है, इन्फेंट है वो किसको कहा जाता है, पीरियड कहाँ से कहाँ तक काउंट होता है, तो इन्फेंसी पीरियड होता है वो 1 मंथ से लेकर 1 साल तक का जो पीरियड है उसको इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है। 28 दिनों से लेकर और 1 साल तक का जो पीरियड्स होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है, इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। द फॉलोइंग आर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सभी है ये डिहाइड्रेशन के साइंस होते हैं किसी एक को छोड़कर। तो जो सकन टीयर्स आइज है ये होता है लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी और डिप्रेस्ड फोंटानेल है, ये तो डिहाइड्रेशन के साइंस और सिम्टम्स होते हैं। जबकि जो डाईयूरेसिस है ये डिहाइड्रेशन का साइन नहीं होता है, एन्यूरेसिस होता है, डाईयूरेसिस कभी नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। द फॉलोइंग आर द कॉन्टेंट्स ऑफ ओ आर एस एक्सेप्ट। ओ आर एस में सभी नीचे दिए जो कॉन्टेंट्स है ये पाए जाते हैं किसी एक को छोड़कर। तो ओ आर एस में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और शुगर भी पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड भी पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट है ये नहीं पाया जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ओ आर एस में कौन सा कंटेंट्स नहीं पाया जाता है, मीन्स ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है ये ओ आर एस में नहीं पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे दिए गए जो फॉर्म्स है वो माल न्यूट्रिशन की मोस्ट कॉमन होती है किसी एक को छोड़कर। तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये माल न्यूट्रिशन का फॉर्म होता है, मेरास्मस भी होता है मोस्ट कॉमन है, और क्वासी और भी मोस्ट कॉमन है, लेकिन बेरी बेरी है ये नहीं होता है। बेरी बेरी विटामिन बी वन थायमिन की कमी से होता है और ये बहुत ही कम होता है, जबकि मेरास्मस क्वासी और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा माल न्यूट्रिशन का मोस्ट कॉमन फॉर्म नहीं होता है, तो बेरी बेरी नहीं होता है, ऑप्शन ए हो राइट हो जाता है। अगला है, द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर ली जा रही है जैसे माला एन और माला डी होती है, तो उनका जो फर्स्ट कोर्स है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कब कितने दिन से स्टार्ट किया जाता है, किस दिन से स्टार्ट किया जाता है। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ये 5th डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
वहाँ से स्टार्ट की जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से ओरल पिल्स वो स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सभी जो मेथड्स है ये कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड्स है किसी एक को छोड़कर। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट और रिदम मेथड और सेफ रेड है ये तो होते हैं नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के, और जो फोम टेबलेट है ये नेचुरल मेथड नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इज द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का, कौन सा है वो स्टरलाइजेशन का परमानेंट मेथड होता है। जो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी होते हैं ये स्टरलाइजेशन के परमानेंट मेथड होते हैं, बाकी MTP डायफ्राम और DNC है ये टेम्परेरी मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑर्गन आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट। सभी ऑर्गन्स है वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं किसी एक को छोड़कर। जो स्टोमक लीवर और स्प्लीन है ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, तो जो ईसोफेगस है ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, ईसोफेगस थोरेसिक कैविटी में होता है। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ बॉडी विच हेल्प्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी का वो पार्ट्स जो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प ही करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जिसमें किडनीज, यूरेटर और ब्लेडर्स और यूरिनरी सिस्टम आता है, ये जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स कितनी होती है, 206 बोन्स होती है। नेक्स्ट है इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। बच्चे में दांतों का उगना है, दांतों का इरप्शन है, ये किस एज के जो किस मंथ्स में है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चा जब 6 मंथ का हो जाता है तो उसके बाद में बच्चे में दांतों का निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइन कोड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। वो नर्व है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेज को मसल्स और ग्लैंड्स तक लेके जाती है, उसको क्या कहा जाता है। कौन सी नर्व, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, मिक्स नर्व या फिर ऑटोनोमिक नर्व। तो ये होती है मोटर नर्व, ऑप्शन ए है राइट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये मॉक टेस्ट का पार्ट फर्स्ट हो गया है, पार्ट सेकेंड भी जल्द ही लेके आने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।